हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना बोरा। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट टू मी। सालों से गार्डनिंग का काम किया हूं, इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी मिला। जो जानकारी मिला वही बात आप लोगों को बताने आई हूं, ताकि आप लोगों को गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत सहायता मिले। कोई भी फूलों का पौधा लगाने के लिए चार बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, ग्रोइंग पीरियड, कौन सा सीजन में कौन सा पौधा अच्छी तरह ग्रो करता है। नंबर टू, पॉट का मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए कौन सा पौधा के लिए। नंबर थ्री, लाइट लोकेशन यानी पौधों को कौन सा जगह में रखना चाहिए, सीधे सीधे धूप में या सेमी शेड में। नंबर फोर, कौन से पौधे को कैसे पानी डालना चाहिए। ये सारे बातों को ध्यान में रखकर कोई भी फूल के पौधे को लगाने से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगा और फूल खिलेगा। आज मैं लाई हूँ समर और विंटर दोनों सीजन में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करने वाला और बहुत ही छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल खिलने वाला ये पौधा का क्या टिप्स लेकर। इसका नाम मिलाम पोडियम। इसका फूल देखिए छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। और हर सीजन में समर हो या विंटर, सभी सीजन में ये फूल खिलते हैं। ये आउटडोर प्लांट है, इसीलिए आप लोग सीधे सीधे धूप में रखिए, तभी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी और फूल खिलेगी। दिन में कम से कम चार पाँच घंटे सीधे सीधे धूप मिलना चाहिए। छांव में रखने से इस पौधे का पत्ते ही पत्ते होगी, फूल कम खिलेगी। ये है ये फूलों को लाइट लोकेशन यानी कैसे जगह में रखना चाहिए। अभी आती हूँ इस पौधे के लिए कैसा मिट्टी तैयार कर लेना चाहिए और पौधों को लगाने के लिए कैसा गमला लेना चाहिए। इस पौधों को लगाने के लिए बड़े वाला गमला लेना चाहिए, तभी पौधा बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी और बूसी होगी। मेरे पास बड़े वाले गमले नहीं था, इसीलिए मैं फूलों का कार्टून में लगाया हूँ। ये देखिए, मैं ये कार्टून में सिर्फ एक ही पौधा लगाया है, पूरा फूलों का कार्टून ढक दिया है, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो किया है और बूसी हो गया। ये देखिए, मैं एक ही पौधा लगाया हूँ। आगे साल में छोटा वाला पॉट में लगाया था ये पौधे, तभी ग्रो किया है, लेकिन कौन सा ग्रोथ नहीं मिला पौधे को। ये पौधे ह्यूमस इस सोल में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है। जितना भी बड़ा वाला गमला लेगा आप लोग, पौधे उतना ही बूसी होगी और ज़्यादा फूल खिलेगी। इसको लगाने के लिए पटका मिट्टी आप लोग वेल्डन भुरभुरिया मिट्टी तैयार कर लीजिए। 20% नॉर्मल मिट्टी, 20% बालू और 20% कोकोपीट लीजिए और 40% खाद लीजिए। कोई भी खाद ले सकते हैं आप लोग, गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट, या दोनों खाद मिलाकर आप लोग पॉट का मिट्टी में दे सकते हैं। कोकोपीट इसीलिए देना चाहिए पॉट का मिट्टी में, क्योंकि ये पौधे को बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए। कोकोपीट ने पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसीलिए बार बार पानी देने का झंझट कम हो जाते हैं। इस पौधे को दिन में एक बार, कभी कभी दो बार भी पानी देने पड़ते हैं। पटका मिट्टी मस्त रखना ज़रूरत है, नहीं तो बहुत ही कम टाइम में पट का मिट्टी सूखा जाने से पौधे का पत्ते मुरझा जाते हैं। इसीलिए इस पौधों का पटका मिट्टी थोड़ा मस्त रखिए, हाथ से सूखो देखिए, हल्की सी मस्त रखना ज़रूरत है। और आप लोग जब भी पानी डालिए, भरपूर मात्रा में डालिए, पट का नीचे वाला मिट्टी भीग जाए ऐसे डालिए, पॉट का ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए ऐसे डालिए। अभी आती हूँ बीच बीच में देने वाला खाद के बारे में। हर 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग इस पौधे का ग्रोथ अच्छा होने के लिए नाइट्रोजन वाला खाद डालिए, लिक्विड खाद, ब्राह्मी कंपोस्ट या सूखे गोबर का खाद से लिक्विड खाद बनाकर आप लोग हर 15 दिन के अंदर अंदर पॉट का मिट्टी में डालिए, तभी पौधा का ग्रोथ अच्छी होगी। वैसे ये फूल खिलने वाला पौधा है, इसीलिए ज़्यादा फूल खिलने के लिए आप लोग पोटेशियम वाला लिक्विड खाद भी दीजिए।
पोटासियम वाला लिक्विड खाद देने से कोई भी फूल खिलने वाला पौधे में से ज़्यादा फूल खिलेगी। पोटासियम वाला लिक्विड खाद में से आप लोग ऑर्गेनिक लिक्विड खाद देने चाहे तो कल का छिलका से लिक्विड खाद बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि कल का छिलके में भरपूर मात्रा में पोटासियम होते हैं जो फूल खिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। और आप लोग पोटासियम वाला केमिकल खाद देने चाहे तो पोटास भी दे सकते हैं। एक लीटर पानी में आधा चम्मच करके डालकर एक रात भिगो दीजिए और इवनिंग टाइम में ये केमिकल खाद पॉट का मिट्टी में दीजिए। ये केमिकल खाद आप लोग सुबह का टाइम में मत दीजिए, इवनिंग या बारिश वाला दिन में दीजिए, नहीं तो पौधे को नुकसान पहुँचेगी। और ये सारा लिक्विड खाद आप लोग पॉट का मिट्टी में डालने से पहले पॉट का मिट्टी में आगे मत पानी डालिए, नहीं तो जो लिक्विड खाद हम लोग दिए है वो पौधे ने अच्छी तरह ले नहीं सकेगी। अभी आती हूँ इस पौधे से नए पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं। इस समय में इसका कटिंग से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। इजीली इसका कटिंग से ग्रो होता है और इसका बीज से भी नया पौधा उगा सकते हैं। ये खिलने वाला फूल से इसका बीज तैयार होते हैं। वो सब आप लोग कलेक्ट करके कोई भी टाइम में, समर हो या विंटर, कोई भी सीजन में इसका बीज से नया पौधा उगा सकते हैं। इसका बीज बहुत ही छोटा छोटे है। वो बीज सारा आप लोग मिट्टी में डालकर इसका ऊपर में पतली मिट्टी का एक लेयर दे दीजिए। बीज के ऊपर में ज्यादा मोटी मिट्टी का लेयर मत दीजिए, क्योंकि इसका बीज बहुत ही छोटे छोटे है। मोटी लेयर में बीज ग्रो नहीं होगी। इसका बीज से ग्रो होने वाला पौधे बहुत ही छोटा से ही फूल खिलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। पौधा से ही फूल खिलते हैं, ऐसे नहीं पौधा बड़ा होगा तभी फूल खिलेगा, ऐसे नहीं, छोटा से ही इसका फूल खिलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। मिलाम्पोडियम फूलों के पत्ते को बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट अटैक करते हैं, इसीलिए आप लोग इंसेक्ट का अटैक से बचाने के लिए हर 15 दिन के अंदर अंदर नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, तभी इंसेक्ट नहीं लगेगा। नीम ऑयल ऑर्गेनिक है। कोई भी फूलों का पौधे को आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी, क्योंकि नीम ऑयल ऑर्गेनिक है। इस बारिश का सीजन में हर कोई पौधे को इंसेक्ट अटैक करते हैं, इसीलिए आप लोग बारिश का सीजन में इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम ऑयल ज़्यादा स्प्रे कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये मिलाम्पोडियम पौधों का केयर टिप्स। ये सब करके देखिए आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा बूसी होकर ज़्यादा फूल खिलेगी। इसको बूसी होने के लिए पिंचिंग का जरूरत नहीं है, ये पौधा अपने आप बूसी हो जाते हैं। आज के लिए आती हूँ। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल में वीडियो नए नए वीडियो डालूंगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।